नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। लॉकडाउन में बड़ी चोरी की वारदात। वसईपुर की एक कंपनी में घुसे चोर का CCTV वीडियो आया सामने। वर्तमान हालात में जहां हर आदमी लॉकडाउन की मार झेल रहा है, वहीं दिन रात हर तरफ सन्नाटा होने का फायदा उठाकर बदमाश चोर किस्म के लोग आम आदमी की दुकानों ऑफिसों में हाथ साफ करते नजर आ रहे हैं। स्क्रीन पे जो वीडियो दिखाई दे रहा है, यह वीडियो है वसई पूर्व अंतर्गत वालू की एक कंपनी नीट इम्प्रेशन का, जहां रात को खिड़की से घुसे चोर ने ऑफिस में रखा सारा सामान इधर उधर करते हुए सब कुछ चुरा कर मालिक का काफी कुछ नुकसान करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत ये रही कि चोर के हाथ ज्यादा कुछ नहीं लगा और मालिक का नुकसान होते बच गया। हालांकि इस वारदात को अंजाम देने वाला चोर बड़ा शातिर चोर ही रहा होगा, जिसने ऑफिस में घुसने से पहले ऑफिस के बाहर की तरफ लगे दो CCTV कैमरे तोड़ दिए। और तो और, कैमरे तोड़ने के वक्त भी वह शातिर बदमाश कैमरे की नजर में नहीं आया। अपराधी ने पूरे प्रोफेशनल तरीके से दोनों कैमरों को तोड़कर अपनी पहचान छिपा ली, लेकिन बदमाश जब ऑफिस के अंदर घुसा तो वहां लगे कैमरे से अपने आप को नहीं बचा पाया और कैमरे में कैद हो गया। बदमाश को भी जब यह आभास हुआ कि एक कैमरे में वह कैद हो गया, तब चोर ने उस कैमरे की दिशा मोड़ दी, जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। हालांकि चोर के हाथ कुछ बड़ा नुकसान नहीं होने से दुकान मालिक ने राहत की सांस ली एवं मामले की शिकायत वालू पुलिस थाने में दर्ज करवाई, जिस पर पुलिस आगे जांच में जुटी है। अब देखना यह है कि क्या रात्रि कालीन गश्ती पुलिस इस तरह की वारदात पर अंकुश लगा पाने में कामयाब होगी। पेश है वसई की यह खास रिपोर्ट।